हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए यस बैंक के शेयर में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ जो ग्लोबल लेवल के बड़े प्लेयर हैं उनका नाम तो जुड़ ही रहा है। साथ में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे अच्छा माना जाने वाला ये HDFC का म्यूचुअल फंड भी आगे आया है। अब भैया आगे आ गया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 87 करोड़ के शेयर जो हैं वो राकेश झुंझुनवाला जी ने खरीदे थे। रवनीत गिल जी हर तरीके से पैसा जुटाने में लगे हुए हैं यस बैंक को उभारने के लिए और यस बैंक बिल्कुल कौड़ियों के भाव ये शेयर मिल रहा है। लेकिन जब HDFC म्यूचुअल फंड जैसे आगे आ रहे हैं तो मतलब भाई हर कोई इस बैंक को बचाने पे लगा है और इस शेयर में जो डूबती हुई नैया है उसमें पैसा लगाने पर लगा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जेट एयरवेज जब डूब रहा था तो कोई भी आगे नहीं आ रहा था पैसा लगाने के लिए, लेकिन यस बैंक में डूबते हुए नाव को पार लगाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। क्या ये मेहनत रवनीत गिल जी की रंग ला रही है, वो देखते हैं आगे। और कौन कौन आगे आ रहा है छोटे से वीडियो में जानते हैं इनके बारे में। सीधे लेके चलता हूँ आपको, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज की है जो कि economisttimes.com पर आपको मिल जाएगी। द इन्वेस्टर अलॉन्ग विद डोमेस्टिक इन्वेस्टर सच एज आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ये आगे आए हैं। वो भी चाहते हैं यस बैंक में शेयर खरीदना क्योंकि वो देख रहे हैं कि यस बैंक में जो बैड लोन्स है वो धीरे धीरे क्लीनअप उनका चल रहा है बहुत ही बेहतरीन। रवनीत गिल जी ने अभी जो आपने देखा कि नॉर्थ अमेरिकन फैमिली की तरफ से $1.2 बिलियन का स्टेक खरीदने की बात हुई थी और उसके बाद आज की डेट में बड़े नाम सामने यहाँ पे आए। यही नहीं, डिस्कवरी कैपिटल जो UK बेस्ड हेज फंड मार्शल वेस और अदर, इन्होंने भी इस फर्म्स जैसे कि कार्लाइल एंड फेरालोन है, इन्होंने भी यस बैंक के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि जो रवनीत गिल जी कह रहे थे वो फैक्ट्स पे कह रहे थे और अब ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं। चलिए, एक टाइम पे तो माइक्रोसॉफ्ट तक का नाम आ गया था लेकिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था बातें सुन के कि ये सब पकी पकाई खिचड़ी है, लेकिन अब ये बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और ऊपर से राकेश झुंझुनवाला जी ने तो ऑलरेडी स्टेक खरीद भी लिया 87 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, यस बैंक में थोड़ी तेज़ी अब देखने को मिल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन जो आई है ये आज की डेट 7 नवंबर की इन्फॉर्मेशन है। अब धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर ये नेगोशिएशंस कंप्लीट होती हैं तो मुझे लगता है कि यस बैंक के शेयर में एक बड़ा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन। अब इसके यही नहीं, यस बैंक के जो लोन्स हैं, जो बैड लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल जो क्लीनअप रवनीत गिल जी कर रहे हैं वो पॉजिटिव माना जा रहा है इसको। और जब से रवनीत गिल जी ने अपनी ये कमान संभाली है तब से लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है राणा कपूर जी के जाने के बाद। अब यस बैंक का अगर मैं देखूँ फिलहाल आज की डेट में 66 के प्राइस तक आ चुका है ऑल्डो ये गिर के, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से इनकी जो स्टेक सेल, जो बड़े बड़े नाम ये लिए जा रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, इनके साथ डील्स कंप्लीट होती है तो शेयर में बड़ा जंप आ सकता है। क्योंकि HDFC म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ और उसके साथ साथ आपने देखा कि डिस्कवरी फंड और बाहर के बड़े नाम आगे आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अभी के टाइम पे 66 के प्राइसिंग पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है तो मुझे लगता है कि अब तो लोग इसमें खूब पैसा लगाएंगे भाई अभी के टाइम पे। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।